हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नया इतिहास के, जो कि काफी नाम ही आप उसका नाम सुने होंगे। ये है राजगीर का स्वर्ण भंडार। जो कि अगर कोई राजगीर आता है ना, तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि भाई स्वर्ण भंडार जरूर देखना, और इसके बारे में कुछ इतिहास है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको जान के काफी अच्छा लगेगा। तो एक यहाँ पर है, तो ये जो आपको गुफा दिख रहा है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा गया तोप के जरिए, जो पहले के जमाना में रहता था ना बड़ा सा तोप। साइड में भी है जो टूट के बिखर गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अंदर में सोना है, कुछ लोग कहते हैं कि अंदर में बहुत सारा ये है, मतलब गुफा है। तो क्या है क्या नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ गुरु शंख लिपि के द्वारा द्वार को बंद किया गया, उस मंत्र को पढ़ने के बाद यहाँ का दरवाजा खुल जाएगा। तो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ इसके बारे में और कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गुरु शंख लिपि होता है क्या है। जिस तरह से देवनागरी लिपि होता है, हम लोग बचपन में लिखते थे देवनागरी लिपि, मतलब वही हिंदी भाषा, उसी तरीके से गुरु शंख लिपि होता है जो कि अलग भाषा होता है, उसके बारे में हम भी आपको दिखाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में जो है ना गुरु शंख लिपि का कोई मतलब किताब नहीं है जो कोई सीख नहीं पाया है, क्योंकि वो गुरु शंख लिपि है ना, कहते नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे जला दिया गया। तो दोस्तों, इसकी कहानी यह है कि बिंबिसार ने अपने खजाने को यहाँ छिपाने की कोशिश की थी। तो उससे पहले उनके पुत्र अजातशत्रु को यह पता चल गया था कि उनके पिता खजाने को छिपाने वाले हैं, तो उनको मतलब जेल में कैद कर दिया गया, कारावास में उस समय कैद करके उनको मार दिया गया। और उसके बाद है ना, उनकी पत्नी ने फिर गौतम स्वामी एक महान तपस्वी थे उस समय, तो वो अपने तप से और मंत्रों के द्वारा इस दीवार के पीछे बहुत सारे सोने को, कहा जाता है कि भारत का 44% सोना यहाँ पे छिपा हुआ है। तो उन्होंने अपने मंत्र जप की शक्ति से इस दीवार के पीछे छुपा दिया और एक मंत्र लिखवा दिया, जो मंत्र पढ़ेगा फिर दरवाजा खुल जाएगा। तो यहाँ पे है ना, इस छेद के जरिए जो है ना अंग्रेजों ने तोप लगा कर इस दीवार को तोड़ने की भी कोशिश की थी। तो ये रहा गुरु शंख लिपि में लिखे हुए वो शब्द जो पढ़ने के बाद ही इस दरवाजे को कोई खोल सकता है। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो नालंदा खंडहर में जला दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। वहां जहां लोगों की भीड़ है ना, जस्ट वहीं पर दरवाजा है। तो जल्द ही प्राचीन समय के विश्वविद्यालय, जहां से विदेश के छात्र आते थे यहां पढ़ने और पढ़ के जाते थे, और जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया गया, और बहुत सी किताबें जहां कहते हैं कि लाखों किताबें थी उसे जला दिया गया। तो जल्द ही उसका वीडियो आने वाला। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहां पे उस लिपि की किताब थी, तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें, जितनी भी दुनिया के विश्व की जितने भी लिपियाँ थी, जितने भी भाषाएं के पुस्तकें थे, सारे के सारे पुस्तकों में उसने आग लगा दी, तोड़फोड़ किया, मतलब इस तरह से वैसा जो किया ना। तो उसके बाद जो यहाँ का जो लिपि है लिखा हुआ जिस मंत्र के जरिए, तो उसी हिसाब से दरवाजा बंद है, ऐसा कहा जाता है। ये जो है ना छेद आपको दिखाई दे रहा है, तो जब अंग्रेज थे ना, तो स्वर्ण भंडार जान के कि इसमें सोना है, तो इसे तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पे तोप लगाया गया था, देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे तोप को खड़ा करके और तोप का जो मुंह है ना वहाँ पे लगाया गया, ताकि अंदर की ओर वो है ना दीवार को तोड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तोड़ने में भी वो असफल रहा, लेकिन जो उसके जो दाग धब्बे जितने भी है ना, काले जैसे राख जैसे मैंने दिखाया अभी, पूरा अंदर में लगा हुआ। एक भाग दिखाया जो उस साइड का था, और दूसरा भाग ये देखिए समय अनुसार ये टूट चुका है, और इसके अंदर में है भी कुछ कलाकृतियां है जो इतिहास के साथ है। चलिए आपको दिखाते हैं। था दोस्तों स्वर्ण भंडार से रिलेटेड ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना था वो उतना सारा कुछ दिखा चुके हैं, और ये भी दिखा चुके हैं, देख सकते हैं आधा से ज्यादा स्थिति ये टूटे हुए हालत में है। तो चलते हैं, अब ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ब्लॉग के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। तो दोस्तों, स्वर्ण भंडार में तो एंट्री फ्री है, लेकिन अगर फोर व्हीलर से आप आते हैं तो पार्किंग के 20 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर बाइक से आते हैं तो 10 रुपये देने पड़ेंगे।